मित्रों, आज कृषि मंत्री मान्य अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य मान्य नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री मान्य श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो MSP की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की MSP में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है, धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है, और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु UPA के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। किसानों के प्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि खास तौर पे पंजाब हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, पानी की जो किल्लत हुई है, जो जमीन बंजर होते जा रही है, उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया
कि जो कॉटन कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी उसकी पैदावार भी काफ़ी कम हुई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने उड़द, मसूर, अरहर, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की ज़रूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और MSP लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं, मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें MSP से नीचे हो जाएं, तो उनको नुकसान होगा किसानों को, और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे किसानों को भी लाभ हो और देश को भी लाभ हो और प्रदेश को भी लाभ हो। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है, बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो NCCF हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, NAFED, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके NCCF और NAFED गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं MSP पर खरीदेगी, कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी, एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है कौन किसान कितने ज़मीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है, और 5 साल की का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा NAFED और NCCF द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी, ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो MSP पर NAFED और NCCF खरीदेगी। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी, और 5 साल तक जो भी उत्पादन
इन खेतों से आएगा डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से, उसको 5 साल के लिए MSP पर, जो CACP द्वारा निर्धारित MSP होते हैं, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और NCCF NAFED से चर्चा कर लेंगे, और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था। कुछ और मुद्दे आवश्यक होते ही हैं, समय समय पे निकलते हैं। कुछ और विषय के ऊपर बातचीत माननीय कृषि मंत्री जी के साथ देश भर के किसान संगठनों, अलग अलग किसान संगठन कुछ यहाँ हैं, कुछ आज के मीटिंग में नहीं भी हैं, उनके भी कुछ विचार विमर्श करके, एक्सपर्ट से बात करके और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। अगली मीटिंग कब होगी? अगली मीटिंग कब होगी मंत्री जी? अगर तो कल सुबह तक इनका फैसला आ जाता है तो मुझे लगता है कि इन्हीं लाइंस पर फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, और ये हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करें। बाकी जो विषय है वो काफ़ी गहरे विषय है, पॉलिसी ड्रिवन विषय है। बाकी विषय जो पॉलिसी से संबंधित हैं उनको ऐसे समाधान करना एक टेबल पे बैठ के कुछ ही लोगों से चर्चा करके संभव नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी, और पॉलिसी के जो और विषय हैं उसके ऊपर फिर आगे चर्चा से बातचीत करेंगे। बाकी विषयों के ऊपर बाद में चर्चा का सिलसिला चालू रहेगा। मैं समझता हूँ आज के पॉजिटिव वातावरण में जो बातचीत हुई है उसको मेरा पूरा विश्वास है कि मीडिया के बंधु, सभी देशवासी, सभी देश के किसान इसको सकारात्मक और पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेके इसको स्वीकार करें।